हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेंटेंस पढ़ेंगे। तो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी मीनिंग कंप्लीट हो, अपने आप में पूरी हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलूंगा। यहाँ पे जो है इस सेंटेंस की मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो रही है। आप इसमें देख सकते हैं कि आई सब्जेक्ट है, विल मीट यू टुमारो प्रेडिकेट है, इसमें वर्ब भी है ऑब्जेक्ट भी है। फीचर्स क्या होते हैं सेंटेंस के? अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कुछ वर्ड्स से मिलकर के बनता है और उसका सेंस कंप्लीट होता है। उसमें इट हैज़ अ वर्ब, उसमें एक वर्ब होना चाहिए। इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर। द वर्ड इन अ सेंटेंस आर रिटन इन अ प्रॉपर ऑर्डर। जो भी सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखे जाने चाहिए। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। एंड लास्टली अ सेंटेंस एंड्स विद द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क। उसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स पे ख़त्म होना चाहिए। तो ये तो उसके जो है फीचर्स हो गए सेंटेंस के। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऐसा सेंटेंस जो कि कंप्लीट सेंस देता हो, कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते, कुछ ऐसे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इन स्प्रिंग, एट द स्टेशन, तो इसकी भी तो मीनिंग निकल रही है। तो क्या ये भी सेंटेंस होगा? तो नहीं, ये सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि इसकी आधी अधूरी मीनिंग निकल रही है। तो ये क्या है फिर? अगर ये सेंटेंस नहीं है तो फिर ये क्या है? तो ये, इसको हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। फ्रेज ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कुछ सेंस तो निकलता है लेकिन उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। जैसे विद अ स्पून, लास्ट वीक, एट द पार्क, इन स्पाइट ऑफ, ये सारे वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, इनका सेंस भी निकल रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। अगर हम किसी से कहें तो वो समझ नहीं पाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो अपनी बात को कन्वे करने के लिए हमें उसे कम्प्लीटली, अच्छे तरीके से, क्लियरली बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए उसे फ्रेज कहते हैं, जो कि ये एक इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। फ्रेज जो है वो सेंटेंस का पार्ट होता है। इसके बाद व्हाट इज अ क्लॉज? तो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस एंड ऑल्सो हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, तो क्लॉज क्या है? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ सेंस तो निकलता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। यानी कि वो सेंटेंस के सारे फीचर्स तो फुलफिल कर रहा है, उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, उसका कुछ सेंस भी निकल रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होती है कि वो कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। यानी ये पता नहीं चलता है कि कहा क्या जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि बट ही डिड नॉट नो द आंसर। बट ही डिड नॉट नो द आंसर, यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहा क्या जा रहा है। इसके बाद सिंस वी वर हंगरी, क्योंकि हम भूखे थे, तो यहाँ पे जो है वो तो भूखे थे, तो क्या बात आधी अधूरी लग रही है, क्लियर नहीं हो रहा है कि जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है। तो उसे हम क्लॉज कहते हैं, जो कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स से कंसिस्ट करता है जिसकी आधी अधूरी मीनिंग होती है लेकिन उसमें वर्ब भी होता है और उसका सब्जेक्ट भी होता है। अब तो हम जो है वो सेंटेंस चूँकि पढ़ रहे थे, तो आइए फिर लौट के चलते हैं सेंटेंस पे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है? तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं उसमें मेनली जो है वो कोई भी सेंटेंस जो होता है वो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट जो होता है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। यानी कि किसी सेंटेंस का वो पार्ट जो कि ये बताता है कि किसके बारे में वो सेंटेंस है या क्या कहा जा रहा है उस सेंटेंस में, तो उसको हम जो है वो सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट जो चीज़ें उस सब्जेक्ट के बारे में कही जा रही होती हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे द इंडियन टीम वोन द टूर्नामेंट, द इंडियन टीम वोन द टूर्नामेंट। यहाँ पे द इंडियन टीम के बारे में बात हो रही है तो वो ऑब्वियसली सब्जेक्ट है, और वोन द टूर्नामेंट
उन्होंने टूर्नामेंट जीत लिया, तो यहाँ पे टूर्नामेंट का जीत लेना ये प्रेडिकेट है, वो द टूर्नामेंट ये प्रेडिकेट है। तो आइए कुछ एक्सरसाइजेस हम देखेंगे। प्लीज राइट डाउन, फर्स्ट अंडरलाइन करिएगा, फ्रेज बताना है आपको। द गार्डन वॉज फुल ऑफ रेड रोजेस, द गार्डन वॉज फुल ऑफ रेड रोजेस, शी इज ऑलवेज इन अ हरी, शी इज ऑलवेज इन अ हरी। थर्ड है, दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। फोर्थ, इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग लेट वी रीच्ड इन टाइम, इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग लेट वी रीच्ड इन टाइम। इसमें आपको फ्रेज अंडरलाइन करना है कि फ्रेज क्या है, और अंडरलाइन करके मुझे पिक सेंड करिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखना है, मैं पूरा पूरा सेंटेंस बता रही हूँ उसमें। देखिए, बेबीज क्राई, बेबीज क्राई। सेकेंड, द लाइट्स आर ऑन, द लाइट्स आर ऑन। थर्ड है, द इंडियन टीम वोन द मैच, द इंडियन टीम वोन द मैच। फोर्थ, माई फादर्स बेस्ट फ्रेंड गेव हिम अ प्रेजेंट।